भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। किसी गांव में छज्जूमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती और उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। उसके बेटे बहुत ही नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की इच्छा मानकर वह अपने काम में लग गया। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, आप घर पर बैठे। परंतु छज्जूमल न माना। उसकी पत्नी रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी, लेकिन छज्जूमल को तो लगाना आता नहीं था। परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे वो रख देता। ठाकुर जी तो मीठे के शौकीन ठहरे, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया था। अब रोज काम पर जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ भोग लगा देता था। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मुरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। बाबा बोला ठीक है, तो उन्होंने गोपाल जी को भी अलमारी में भूलवश रख दिया। घर का काम शुरू हो गया, पर गोपाल जी को अब गुड़ का भोग ना लगता। छज्जूमल अब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तभी छज्जूमल की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ नहीं दोगे। छज्जूमल ने एक दो बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता ही जा रहा था और बोल रहा था, तो अचानक वह उठा और देखा कि 6-7 साल का बालक उसे कह रहा है, बाबा आज गुड़ नहीं दोगे। छज्जूमल मन में सोचने लगा कि मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ दिया ही नहीं। फिर उसने सोचा, गांव में ही किसी का बच्चा होगा। छज्जूमल ने कहा, हाँ बेटा ये लो गुड़। ये कहकर उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को मुंह में डालकर आहा आहा मीठा मीठा कहकर वहाँ से भाग गया। अब तो रोज ही वह बालक छज्जूमल को मिलता, उससे गुड़ लेता और नाचता गाता और मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जूमल भी बच्चा समझकर उसको रोज गुड़ दे देता। अब घर का काम पूरा हो गया तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया। छज्जूमल अब गुड़ बेचने नहीं गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। अब छज्जूमल वहां नहीं आया। बालक ने तो घर जाकर मैया की जान खा ली और ताता थैया मचाने लगे। बोले, मुझे तो गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया कि बेटा घर में इतनी सारी मिठाई है वो ले लो, लेकिन बच्चे ने कहा कि मैं तो गुड़ ही खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन नहीं हुआ तो छज्जूमल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई और जाकर कहती है, बाबा मेरे बालक को तो आपने गुड़ की आदत डाल दी, आज आप नहीं आए तो गुड़ खाए बिना यह मान ही नहीं रहा। तो छज्जूलाल को उस बालक पर बड़ा प्यार आया। उसने उसको अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों में आंसू आ गए। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया। हवन पूजन के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति को बाहर निकाला गया। अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका। अब तो उसे भी उस बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु वह बालक आया ही नहीं। ऐसे ही 3-4 दिन बीते तो उसका मन बहुत बेचैन हुआ कि कहीं बालक बीमार तो नहीं हो गया। उसने गांव जाकर सबको बालक के बारे में पूछा तो सब ने कहा, ऐसा तो यहाँ कोई बालक नहीं रहता। वह हैरान परेशान होकर घर पहुंचा।
पहुंचा। घर पहुंचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा। वो तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे कह रहे थे, बाबा मैं वही बालक हूँ। छज्जू मल का माथा ठनका। वह सोचने लगे कि ये तो साक्षात गोपाल जी मुझसे गुड़ खाने आते थे। और वे कहने लगे कि गोपाल जी धन्य हो आप। गोपाल जी की ओर देखकर उसकी आंखों में फिर से अश्रु धारा बहने लगी। तो बेटा, भगवान तो भावों के भूखे हैं, जो भी भाव से उन्हें खिलाता है उसे दर्शन अवश्य देते हैं। तो आप भी भगवान की सांसारिक वस्तुओं से नहीं, भावों से पूजा कीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।